आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसे आप महज इत्तेफाक समझे या फिर सुखद संयोग कि इस बार पर्यावरण दिवस का थीम जैव विविधता है। बिहार सरकार जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत बिहार में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के 3 पेड़ों को यदि किसी ने नुकसान पहुँचाया तो उसकी खैर नहीं है। आपको बता दें कि अगर इन पौधों को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उनके ऊपर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य सरकार इन्हें संरक्षित करने जा रही है। जल्द ही इनके पाए जाने वाले 3 स्थलों को जैव विविधता विरासतीय स्थल घोषित किए जाएंगे। फिर इन पौधों का व्यावसायिक प्रयोग करने वाले पर प्रतिदिन 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनमें बेतिया का रगिया और मंगुराहा के अलावे कैमूर जिले के कुछ चिन्हित हिस्से शामिल है। तीनों पौधों में यह विशिष्ट प्रजातियां प्राकृतिक रूप में वहीं पाई जाती है। इन प्रजातियों में कैमूर के अंजन, रघिया और मंगरूहा के साइकस पैक्टिनाटा व पाइनस राइकोबैक्स पौधा शामिल है। आपको बता दें कि पाइनस राइकोबैक्स को चीर के नाम से भी जानते हैं। यह एक औषधीय पौधा है। इसके अलावा साइकस पैक्टिना जो है साइकस की चौथी प्रजाति है, जिसे कि स्कॉटलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक फ्रांसिसिक बुचन ने 1866 में परिभाषित किया था। तो आज के लिए जो खास रिपोर्ट थी यही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले।